अपने मनपसंद सीरियल्स देखने के लिए अल्ट्रा टीवी सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आप सो रहे हो? बिना कुछ खाए भी आपको नींद कैसे आ रही है? अब गुड़ खा के ऊपर से पानी पी लिए हैं। चाचा, हमको तो यहाँ का सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा है। कैसे लोग हैं? कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है। हम अभी सबके कमरे में झांक कर आ रहे हैं, सबको सन्नाटा खींचे बैठे हैं। भूख लगी होगी सबको? नहीं चाचा, सबको मुंह फुला के बैठे हैं और बुआ तो ना जाने का है कोप भवन में बैठी है। हमको तो लगता है हमारे यहाँ आने से ना सबको करंट लग गया है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, होगा उन लोगों का आपसी मामला। ऐसे भी शहर में लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं आपस में। लेकिन चाचा, ऐसे में हमारा दिल तो नहीं लगेगा यहाँ पे। हमें तो ना खूब सारी बातें करने की आदत है। हाँ, तो ऐसा कर, तू भी गुड़ खा के ऊपर से पानी पी के सो जा। जा, जा। गाँव में भी गुड़ खाए और शहर में भी गुड़ खाए, हम गुड़ नहीं खाएंगे। चाचा, गांव की ना बहुत ही याद आ रही है, वो सरजू नदी का किनारा और आम का पेड़ और हमारी सहेलियां। भूल जा उनको। अरे शहर में आने के बाद गांव को भूलना पड़ता है, तभी तरक्की होती है। चाचा, अब हम कभी गांव नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। पर क्यों नहीं जाएंगे? बुड्ढी, जब हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं और जब तक तेरे हाथ पीले नहीं हो जाते, तेरी शादी नहीं जाती, तू इस घर की बहू नहीं हो जाती है, तब तक हम यहाँ से खिसकने वाले नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, ऋषि के यहाँ आने तक हमें उसका इंतजार करना है। सुमित्रा, सुमित्रा जी, तुम्हें कुछ पता है या नहीं? क्या? ये जो तुम्हारे भाई आए हैं, ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं? किस बारे में? बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं, बहुत दूर की प्लानिंग की है इन्होंने। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बोलिए ना। एक बात बताओ, तुम्हें सचमुच कुछ पता नहीं है या जानबूझकर अनजान बन रही हो? आपको क्या लगता है मैं नाटक कर रही हूं? देखिए, मैं बहुत सच्ची और खरी औरत हूं। आपकी बहू उर्मिला की तरह खेल खेलना नहीं आता मुझे। अब ये उर्मिला कहां से आ गई पिक्चर में? बता रही हूं आपको। मैं भी तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो तुम्हारे भाई है ना द्वारका प्रसाद जी, ये अपनी भतीजी गुड्डी को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। क्या? हाँ, ये बात मैं अपने कानों से सुनकर आ रहा हूं। मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था कि इन लोगों के आने का यहां मकसद क्या है। उन लोगों ने आपसे इस बारे में कोई बात की है? नहीं की है तो करेंगे। वो उस ऋषि से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं जिसका कुछ पता ही नहीं है कि वो है कहाँ। वो जो आपकी लायक बहू उर्मिला है ना, उसे सब पता होगा। जब वो जानकी को ढूंढ के ला सकती है तो ऋषि को क्यों नहीं? उसे कहिए, वो ले आएगी ऋषि को ढूंढ के। जिस दिन उसे ऋषि का कोई सुराग मिल गया ना, देख लेना उर्मिला ये भी करके दिखा देगी। लेकिन अभी वो जिस मुसीबत को घर में ले आई है ना, उसकी वजह से हम सबको पछताना पड़ेगा। सुमित्रा, मुझे इस बात की बड़ी हैरानी होती है कि तुम एक औरत होकर जानकी के दर्द को नहीं समझती हो। उसकी जो हालत है, ऐसे में उसे क्या हम बेसहारा छोड़ दें? नहीं, गले से लगा के रखिए, देख लीजिएगा एक दिन यही आपके गले का फंदा बन जाएगी। सुमित्रा, इस तरह की बेमतलब बातें मत करो, तुम्हारे तो मुंह में जो भी आता है बक देती हो। ये भी नहीं समझती होगी तुम्हारी इन बातों से किसी दूसरे को तकलीफ भी हो सकती है। और सबकी तकलीफ की आपको इतनी परवाह है और मेरी तकलीफ की कोई परवाह नहीं? अरे, जानकी के यहाँ आ जाने से तुम्हें क्या तकलीफ है? अब जानबूझ के तो मक्खी नहीं निकली जाती है ना, उसके यहाँ ना होने से किसी का क्या नुकसान हो रहा था? कौन मारा जा रहा था उसके लिए? सुमित्रा, इतनी कठोर मत बनो। बीती बातों को भुलाकर जानकी को समझने की कोशिश करो। हमें यह जिंदगी इसलिए नहीं मिली है कि हम किसी दूसरे की जिंदगी को छीन लें। जो मैंने ऐसे कर लिया। सुमित्रा,
सुमित्रा एक मिनट मेरी बात सुनो। क्या है? ये भगवान का आशीर्वाद ही है जो हम दोबारा मिले हैं। अब हम पुरानी यादों को भुला देंगे। ऐसा समझ लो कि एक बुरा सपना देखा था जो बीत गया। अपनी जिंदगी की शुरुआत हम नए सिरे से करेंगे। यूं समझ लो कि ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। अपनी जानकी के लिए मैं भगवान से विनती करूंगा कि मेरी जानकी को ठीक कर दे, एकदम ठीक कर दे। तुम डॉक्टर हो? मैं ठीक हो जाऊंगी ना? तुम ठीक हो जाओगी जानकी, तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। हम सबके लिए तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। और डॉक्टर वो नर्स कहाँ गई जो मुझे हमेशा खाना खिलाती थी? जानकी वो नर्स नहीं है, वो उर्मिला है, अपने अपने निशान की बीवी। आज उसी की वजह से तो हम वापस मिले हैं, वरना मैं तो आज छोड़ बैठा था। तुम हमारे बच्चे की भी तबीयत ठीक कर सकते हो ना? पता है उसे बहुत खांसी हो गई है, मुझे लगता है उसको सर्दी हो गई थी। जानकी हमारा बच्चा तो घर छोड़कर चला गया है, पता नहीं आज वो किस हाल में होगा, कहाँ होगा। ए डॉक्टर, अगर मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई ना तो मैं बहुत मारूंगी। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। उसे बचाओ, उसे बचाओ, बचाओ, उसे बचाओ। किसको जानकी, तुम किसके लिए कह रही हो? मेरे बच्चे, वो लोग मेरे बच्चे को मार डालेंगे। जाओ, मेरे बच्चे भूखे हैं, जाओ। जानकी तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? डॉक्टर, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत भूखे हैं वो। जाओ जाओ जाओ, उसे बचाओ। जानकी मेरी तरफ देखो, तुम देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा अनिरुद्ध पति हूँ। तुम्हारा पति क्या होता है? पति पागल। पति अब हम सबको मिलकर जानकी दीदी का पूरा ख्याल रखना होगा। छोटी माँ, क्या मम्मी की हालत हमेशा ऐसी रहेगी? क्या वो कभी ठीक नहीं होंगी? नहीं बेटा, भगवान ने चाहा तो वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो, इतने साल उन्होंने बहुत तकलीफें सही हैं, अब उन्हें इन तकलीफों से छुटकारा जरूर मिलेगा, देख लेना तुम। क्या हॉस्पिटल में भी वो इसी तरह बिना किसी से बात किए चुपचाप बैठी रहती थी? शुरुआत में तो वो एकदम पत्थर हो गई थी, ना किसी से कुछ बोलना, ना शरीर में कोई हरकत, लेकिन इलाज के बाद उनमें काफी फर्क नजर आया है। अब हम सबको बस इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी कोई बात ना हो जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचे, उन्हें दुख हो या फिर उनके दिमाग पर कोई असर पड़े। एक तरफ तो मुझे अपनी मम्मी से मिलने की
इतनी खुशी है और दूसरी तरफ उनकी उनकी ये हालत देखकर उतनी ही परेशानी। पता नहीं उन्होंने जिंदगी के इतने सारे साल कैसे हमारे बिना गुजार दिए। बेटा ये सब किस्मत का खेल है। शायद किस्मत में यही लिखा था कि इतने साल वो हम सब से दूर रहे। लेकिन छोटी माँ एक बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, जब इतने सालों से मेरी मम्मी जिंदा थी तो हमें ये क्यों बताया गया था कि उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई है। पापा ने भी ये बात मुझसे छुपाई। छोटी माँ आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलती क्यों नहीं? रुचि अब मैं क्या कहूँ, क्या जवाब दूँ तुम्हें? कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। मैं तुम्हें बस इतना ही कहूँगी कि तुम आज की सच्चाई को देखो और ये कल की बातों इनको भूल जाओ। इनको कुरेदने से कोई फायदा नहीं है। इनसे तुम्हें मुझे हम सबको तकलीफ पहुँचेगी। बेटा शायद तुम्हारी अपनी किस्मत से हमें तुम्हारी मम्मी मिली है ना? अब हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अब तुम उनकी सेवा में अपना पूरा ध्यान लगाओ और इन बातों के बारे में सोचना बंद कर दो, समझी? जी छोटी माँ। सुमित्रा चलती बात के बीच में उठकर जाने का क्या मतलब है? आप क्यों खामखा बात को बढ़ाना चाहते हैं? जाने दीजिए मुझे। रुको, किसी बात से छुटकारा पाने के लिए बहुत जरूरी है कि उस बात का सामना करना। कब तक इस तरह भागती रहोगी? इतनी तंगदिल मत बनो। आप है ना बड़े दिल वाले, इस उम्र में मुझे बदलने की कोशिश मत कीजिए। इंसान के भीतर इतना लचीलापन हर उम्र में होना चाहिए कि वो सच्चाई को स्वीकार कर सके। उर्मिला ने टूटे हुए रिश्तों को जोड़कर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम भी अपने दिल से पूछो तो कहीं ना कहीं जानकी भी तुम्हें निर्दोष दिखाई देगी। हाँ हाँ सब निर्दोष हैं, दोषी तो सिर्फ मैं हूं। आज जानकी की हालत के लिए हम सब दोषी हैं, हमने ही उसे इस हालत में पहुंचाया है। आज हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे तो लगता है कि ये हमारी हार है। किस बात की हार? आज भगवान ने उसे हमारे पास वापस भेजा है। तुम खुद को भगवान से बड़ा मानोगी? हम सबको मिलकर जानकी को संभालना है। साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि अब हमें वो रिश्ता निभाना होगा जो रिश्ता रहा ही नहीं? हाँ जानकी से नाता जोड़ो, कल भंडारी को गले लगाना। सुमित्रा इंसानी फर्ज तो यही कहता है कि जो बेसहारा हो बेमददगार हो उसे सहारा दो। हम तो अनजानों की मदद कर देते हैं और फिर इसके साथ तो हमारा रिश्ता है। जो मेरे दिल से एक बार उतर गया सो उतर गया, उसे दोबारा मेरे दिल में कभी जगह नहीं मिल सकती। जानकी को इस घर में जगह मिली है, धीरे धीरे उसे तुम्हारे दिल में जगह मिल जाएगी, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। जानकी जानकी क्या कर रही है? जानकी छोड़ो 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 जानकी। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं, तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़कर मैं भूल गया था कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। इतने सालों से तुम तड़पती रही और मैंने तुम्हारा ख्याल भी नहीं किया। मैंने तुम्हें तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की जल की बहुत कोशिश की, मगर यह नहीं पता था कि तुम्हारा ऐसी हालत हो जाएगी। पर अब अपनी आंखों के सामने तुम्हारा यह हाल मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
नहीं होता मुझसे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं जानकी, बहुत शर्मिंदा हूं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। इतने सालों में मैं टूट टूट कर बिखर कर सख्त हो गया था, लेकिन अगर तुम ठीक नहीं हुई ना तो मैं पूरी तरह बिखर जाऊंगा। अब मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, मुझे तुम्हारा पूरा एहसास होगा। रहने दो बेटे, रहने दो, क्यों पाप चढ़ा रही हो? हाँ, इसमें पाप की कौन सी बात है दीदी, ये तो इसके लिए पुण्य की बात है। अब इतनी भी सेवा मत करो कि मुझे इसकी आदत पड़ जाए। मैं हूँ ना बुआ जी, मैं आपकी रोज सुबह शाम सेवा किया करूंगी। इसमें सेवा की क्या बात है, है? अब यहाँ पर काम ही क्या है? गाँव में तो रोज सुबह शाम भैंसिया की सेवा किया करती थी, यहाँ पर आपकी कर रही है क्या? मेरा मतलब है कि अब खाली बैठे करेगी भी क्या? सच कहूं दीदी तो ये सब कुछ देखकर तो मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। दीदी इसे सब कुछ आता है? हाँ, एकदम ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। सिलाई बुनाई कताई कढ़ाई और वो बर्तन झाड़ू पैर दबाना सब कुछ आता है, सब कुछ। बस आपसे एक विनती है दीदी, इसे अपनी शरण में ले लो। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ दीदी। दीदी सीता और राम की जोड़ी है ये, हाँ, और आपके हाथ में है। अब ये जोड़ी बनाकर तो आप मुझ पर उपकार करेंगी दीदी। हाँ देखो द्वारिका, अगर तुम ऋषि को लेके ये सब बातें कह रहे हो तो ये मुश्किल है। ऐसा मत कहिए दीदी। बुआ जी अगर आप ऐसी बात करेंगी तो फिर हम जहर खा के मर जाएंगे या फिर कुआं में छलांग लगा देंगे। हाँ अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि क्या बात है। दरअसल वो ऋषि ऋषिया का चले गए ना, तो हम मना लेंगे उनको। वैसे भी वो तो हमारे भुड भी है ना। आप हमें उसका पता दीजिए, हम आज ऋषि को घर पर लेकर आएंगे। हाँ दीजिए। यही तो मुश्किल है, ऋषि कहाँ चला गया है कुछ पता ही नहीं है। हम लोग ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मिला ही नहीं। आप दुखी मत हो दीदी, बिल्कुल दुखी मत हो। ये गुड्डी है ना बड़ी किस्मत वाली है, देखना हम इसकी किस्मत से ऋषि को घर वापस लेकर आएंगे। हाँ हम आज से ही उनकी वापसी के लिए ना संतोषी माता का व्रत रखेंगे। संतोषी माता हमारी पुकार जरूर सुन लेगी।